किस सखी से क्यों हिंदू महासभा ने टिकट लिया वापस? अब क्या मोदी को चुनौती नहीं देंगी हिमांगी सखी? मोदी के सम्मान में हिंदू महासभा ने ले लिया फैसला, तो भड़क गई महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो शिव की नगरी काशी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ यूपी की इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय पीएम जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनके खिलाफ कौन सा चेहरा उन्हें टक्कर देगा। वाराणसी की सीट से जहां कांग्रेस ने अजय राय को उतारा, तो वहीं हिंदू महासभा की तरफ से महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के नाम का ऐलान हुआ। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, हर जगह चर्चा होने लगी कि मोदी को सबसे तगड़ी टक्कर हिमांगी सखी से ही मिलने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हिंदू वोट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। कुछ हिंदू जो है वो हिमांगी सखी को वोट देंगे, जबकि कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कुछ भी ऐसा होने वाला है। जी हाँ, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से हुंकार भरने वाली हिमांगी सखी का नाम हिंदू महासभा ने वापस ले लिया। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाम इस सीट के लिए फाइनल किया गया था। इस बारे में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने खुद जानकारी दी है। नाम वापस लिए जाने के बाद अगर आपको लगता है कि हिमांगी सखी चुप बैठेंगी, तो ऐसा भी कतई नहीं है। भले ही चक्रपाणी महाराज ने उनका नाम वापस ले लिया हो, लेकिन वो निर्दलीय हुंकार भरने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि चक्रपाणी महाराज ने उनके साथ धोखा किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उनका नाम वापस लेने को लेकर पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, इसे लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज क्या कहते हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के उतारे गए वाराणसी से प्रत्याशी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वापस लेने का निर्णय किया गया है, और मैं अन्य पार्टियों से भी, इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं कि उनको प्रधानमंत्री जी के सम्मान में अपने प्रत्याशी हटा देने चाहिए। क्योंकि जब नरसिंहा राव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव लड़े थे अपने साउथ से, तो उस समय उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी हटा लिए थे, और उस समय नरसिंहा राव जी निर्विरोध चुने गए थे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनेक राजनीतिक पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमें खुद जो है राम मंदिर का, मैं मुख्य पक्षकार था, हमें ट्रस्ट में जगह देना तो दूर, हमें निमंत्रण भी नहीं मिला। हमें भी कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी दुख है, और ट्रस्ट ने भी हमें दुख पहुँचाया। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अपनी छोटी हो जाती है जब व्यापक रूप से हम सोचते हैं। तो ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा करके जिस प्रकार से देश का डंका बजाया है, देश के गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाया है, और साथ में ही भारत में भी आप देखिए जिस प्रकार से नवरात्र का सम्मान करते हुए मांसाहारियों का जो सनातन के भंग करने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही पहली ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों के लोग ये छोटी चीज़ें हर अन्य जगह से खड़ा करें, अन्य जगह से अपने प्रत्याशी उतारें, लेकिन हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में इस काशी की धरती से अपने अपने प्रत्याशी सभी को हटा लेना चाहिए। यह देश के जनमानस का सम्मान होगा, ये लोकतंत्र का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम, राम राम। तो सोना, अपने चक्रपाणी महाराज का कहना है कि देश के पीएम के सम्मान में दूसरी पार्टियों को खुद से प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए। इसके बाद हिमांगी सखी ने जो पोस्ट किया, उससे पूरा सोशल मीडिया हैरान है, लोग भी हैरान है, क्योंकि हिमांगी सखी ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, स्वामी चक्रपाणी ने हमसे झूठ बोला। चक्रपाणी महाराज को चुनाव आयोग से एक पत्र मिला, वे चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतार सकते, फिर भी उन्होंने उतारा, हमसे धोखा किया। यानी हिमांगी सखी का दावा है कि स्वामी चक्रपाणी को चुनाव आयोग ने पहले ही बोल दिया था कि वो अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकते, लेकिन फिर भी उन्हें उतारा गया। वहीं हिमांगी सखी ने जो लेटर शेयर किया, उसमें लिखा है, ये सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारण
की वजह से आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया है। आगे लिखा कि आवेदन का दिनांक पर आयोग के अभिलेख के अनुसार आपकी पार्टी में कोई अधिकृत पदाधिकारी नहीं है तथा आपकी पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं ईटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमांगी सखी का इस पूरे घटनाक्रम पर कहना है कि मेरे चुनाव लड़ने की हर जगह चर्चा है, इंटरनेशनल स्तर पर भी बात हो चुकी है, ऐसे में पीछे नहीं हट सकती, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। हालांकि हिमांगी सखी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ईटीवी की तरफ से जो खबर सामने आ रही है, जो खबर छपी है, उसके अनुसार हिमांगी सखी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ये खबर पक्की है कि अखिल हिंदू महासभा की तरफ से हिमांगी सखी का नाम वापस ले लिया गया, लेकिन अब वो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो किस तरीके से मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।